हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ ए मणिपुर। तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं चेरो सिंह, क्योंकि उस समय जब मैं गया था उस समय हम लोग सनराइज़ जो है वो देख नहीं पाए थे। तो आज अभी सुबह का 4 बज रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए। और मैंने आपको बता ही दिया पिछले ब्लॉग पे कि यदि आप मणिपुर टूर पर आए हो और आपको मॉर्निंग जो वॉक आपके लिए सही जगह हो सकता है, जो ऊपर का जो चेरो सिंह है, ठीक है, वो मैंने बता दिया लोकेशन आपको। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा कहाँ से क्या जाना है, किसे आना है, ठीक है। वैसे भी आप इम्फाल में रहते हो तो ज़्यादा दूर तो नहीं है वहाँ से, ऐसे 2-3 किलोमीटर होगा जो चेरो सिंह है। इम्फाल साइड से भी आ सकते हो, मंदी पोखरी में कहीं पर होटल में हो तो वहीं से भी आप जा सकते हो, ठीक है। फिर भी जो लोकेशन है मैं पिन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। अभी मेरे साथ है यहाँ पे देखो अर्जुन और भाई अजीत, यहाँ पे करण, प्रेम, ये तो पूरा कैमरा वैमरा लेके रेडी हो चुका है, आज पूरा शाहरुख खान वाला वीडियो बनाएंगे गाइस। और उदय और भाई नाम बता दो, अजय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी 5 लोग निकल गए यहाँ से, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। और ये ब्लॉग में मैं ज़्यादा बात करने नहीं वाला हूँ, तो आपको सिनेमैटिक जो व्यू है ना ऊपर का, वो पूरा सिनेमैटिक व्यू होगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं ऊपर और सीधा आपको सिनेमैटिक व्यू जो है वो देने वाला। शाम का जो सनसेट होता है ना उसको देखने के लिए जा रहे हैं। सुबह का सनराइज़ तो आपने देख ही लिया, और शाम का सनसेट जो होता है ना वो एकदम टाइमलेस में लेने वाला हूँ, तो आप वो देखना, वो ही बहुत शानदार होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पे मणिपुर टूर में आए हो तो आपके लिए बेस्ट आप बोल सकते हो इवनिंग वॉक जो है वो हो सकता है चेरो सिंह, ठीक है। अभी हम लोग को जाना है वहाँ पर ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जाना है, फिर सीढ़ी तो चढ़ाई करना पड़ेगा। और उदय तो जा रहा है आगे आगे, मैं भी जाने वाला हूँ अभी, तो चलो फिर चलते हैं आगे और आपको जो सनसेट है ना उसका व्यू देता हूँ। अभी सनसेट जो है ना वो हो चुका है, और आपको यहाँ से पूरा इम्फाल का जो व्यू है वो पूरा दिखाई देता है, और यहाँ से एयरपोर्ट भी दिखाई देता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर एक लाइट ब्लिंक कर रहा है ना, ये एयरपोर्ट है। और जो इम्फाल का कंप्लीट व्यू है ना आपको पूरा क्लियरली दिखाई देता है चेरो सिंह से। इस व्यू कुछ इस प्रकार है, कंप्लीट व्यू है, सनसेट तो हो चुका है, फिर भी व्यू देखिए पूरा इम्फाल है। ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ के बीच में जो वैली, इम्फाल वैली जो है ना वो यहीं पर, और चारों तरफ इम्फाल को पहाड़ से घिरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये साइड भी पहाड़ है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी पहाड़ी है। ये देखिए हम लोग आए हैं यहाँ से, ये साइड मंती पोखरी पड़ता है, ठीक है, ये भी पूरा पहाड़ से कवर किया है। ये देखिए पूरा पहाड़ इलाका है ये भी, और यहाँ यहाँ सिर्फ नहीं आपको इस साइड भी दिखाई देगा, ये देखें यहाँ पे भी पहाड़ी है और ये साइड भी पहाड़ी है। ये है सेकंड व्यू पॉइंट, आपने देख लिया ये व्यू पॉइंट जो है, ठीक है। यहाँ से ना जो वैली है पूरा एक फुल पहाड़ ने कवर किया है, और पहाड़ के बीच में जो इम्फाल वैली है वो बसा हुआ है, और कम्प्लीट व्यू आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। और यहाँ से कब्रू पहाड़ भी दिखाई देता है, ये देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना बीच वाला सबसे ऊंचा वाला, ये कब्रू पहाड़ है। यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे एक दिन, और व्यू तो देखिएगा इस। अपने जो सनसेट है वो देख चुका है, ठीक है,
मैंने आपको कंप्लीट व्यू यहाँ से जो चेरोचिंग से जो व्यू है कंप्लीट दिखाया आपको। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना, और आप यदि इम्फाल आते हो या मणिपुर घूमने आते हो तो ये जगह को कभी मिस मत करना। ये जगह आपको एकदम ही इम्फाल जो एरिया है ना पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो ये आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए जब टूर निकलते हो मणिपुर के लिए, तो ये वाला जगह जो है वो छोड़ना मत। सुबह भी बहुत ही मज़ा आता है, जो सनराइज है और सनसेट है वो भी बहुत मज़ा आता है। तो आपने तो देख लिया, ज़्यादा बात तो क्यों करें। तो फिर भी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना, और आप यहाँ पे आते हो नहीं आते हो वो भी बताना। जब मणिपुर घूमने आते हो ना तो यहाँ पे आते हो नहीं आते हो वो तो बताना। मणिपुर वालों क्या कर रहे हो, आ जाओ यहाँ पे देखने के लिए। चेरोचिंग जो है ना एकदम मज़ेदार यहाँ से जो इम्फाल है वो दिखाई देता है। तो कैसे ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, अभी के लिए बाय।